पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज देश भर में कांग्रेस पार्टी की ओर से कोरोना संक्रमित लोगों के लिए कांग्रेस रसोई की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के जरिए मास्क, सैनिटाइजर, भोजन और फल आदि का वितरण किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा सहित अन्य कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी और मास्क, सैनिटाइजर आदि लोगों को बांटे। इस दौरान अरोड़ा ने कोरोना और किसान पर हुए लाठीचार्ज के मामले को लेकर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी और इस पुण्यतिथि पे आज पूरे देश के अंदर लोग उन्हें याद कर रहे हैं इस बात के लिए कि एक ऐसे व्यक्ति की कितनी सोच थी कि उन्होंने प्रजातंत्र कैसे मजबूत रहे। प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायत होती है, उन्हें पंचायती संस्थानों को मजबूत किया ताकि प्रजातंत्र की जो नींव है, अगर नींव मजबूत होगी तो प्रजातंत्र मजबूत होगा। ऐसे सोच वाले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना प्राण तक इस देश के लिए पार दिया, आज उन्हें याद किया गया। उनकी याद में आज जगह जगह पर फल बांटे गए, मास्क बांटे गए, क्योंकि कोविड चल रहा है और इस कोविड महामारी से निपटने के लिए लोगों को मास्क की ज़रूरत है, लोगों को सैनिटाइजर की ज़रूरत है। तो आज कांग्रेस पार्टी द्वारा उनकी पुण्यतिथि पर इस प्रकार का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में शुरू किया गया। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं ने उस महान योद्धा को याद किया जिसने प्रजातंत्र के बारे में सोचा, जिसने आधुनिक भारत की कल्पना की। आज की सरकार भी है, वो तो प्रजातंत्र को मजबूत करने की बात करते थे, आज की सरकार प्रजातंत्र को खत्म कर रही है। किस प्रकार से ऑटोनॉमस बॉडियों को आज अपने हाथ में लेकर इस देश में प्रजातंत्र को खत्म करने, पहले भी उसकी निंदा की कि हिसार के अंदर किस प्रकार से मुख्यमंत्री, मंत्री और इनके दूसरे साथियों ने कोविड नियमों का उल्लंघन करके किस प्रकार से धारा 144 को तोड़कर, चाहे वो हिसार की बात करें, चाहे वो पानीपत की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, किस प्रकार से कोविड हॉस्पिटलों का उद्घाटन करने के लिए गए और वहाँ पर जिस प्रकार का लाठीचार्ज किया गया, जिस प्रकार से महिलाओं तक को पीटा गया और बाद में समझौता कर लिया कि हम पर्चे दर्ज नहीं करेंगे, बाद में पर्चे दर्ज कर लिए। ये सरकार गलत नीति अपना रही है, इसको इस गलत नीति को छोड़ना चाहिए। किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार को घेरते हुए अशोक अरोड़ा ने साफ कहा कि हरियाणा भाजपा सरकार प्रदेश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है। देखना होगा कि अरोड़ा के आरोपों पर भाजपा की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। पंजाब के सी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।